जहां एक तरफ योगी सरकार बदमाशों को प्रदेश छोड़ने की नसीहत दे रही है, वहीं बदमाश पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला बुलंदशहर के सियाना तहसील के गांव नखोबा का है, जहां देर रात एक महिला बत्तो देवी की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी और शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी का नाम धनपाल निवासी दरौला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीती रात ग्राम निखो थाना सियाना में एक कंट्रोल द्वारा सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ रखा है और उसके घर की एक महिला को ईंट से मारा गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर महिला एक घायल अवस्था में थी, जिसको कि उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और पुरुष जो इसको पकड़ा हुआ था ग्रामीणों द्वारा, उसको भी वो भी घायल था और उसको भी उपचार हेतु सीएससी से आना, बाद में वो बुलंदशहर रेफर किया गया। घटना इस प्रकार है कि एक व्यक्ति इनके घर पर, जो करणपाल उर्फ करेला है, इनके घर पर घुसाया और ईंट से इनकी पत्नी पर वार किया, जिससे कि वो अत्यधिक घायल हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। घटना में एक व्यक्ति, यही व्यक्ति शामिल है और घटना का भी उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो घुसा था वो खुद इतना घायल है कि उससे पूछताछ किया जाना संभव नहीं है। घर में किसी प्रकार की लूटपाट इत्यादि नहीं हुई है, ना तो सामान बिखरा हुआ है, न ही जो महिला है उसके जो आभूषण थे वो भी नहीं है, उसके इंटैक्ट है उसकी बॉडी पे, तो इस तरह की संभावना तो नहीं है, किंतु घटना कारण क्या है इस पर अभी योजना की जा रही है। चोरी का लिहाज और उसके संग नीर पाट करी और काले को कुंडल खींचने के बारे में उसे जान से मार दिया, खोपड़े से ईट फोड़ दी, बाँ हाथ पान तोड़ दी। तो कैसे आपको कैसे पता लगा? मुझे तो पता चली जी जब उसके चीख पटाख हो रही, मैं भी भक्का पड़ा और ऊपर से फिर बेटा भी आया जी, बेटा ने उठा लिया, मैंने घर वाले उठा लिया, इतने ही फिर गाँव वाले आ गए साहब, फिर गाँव वालों ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप पुलिस के कब्जे में? हाँ जी, पुलिस के कब्जे में। के इरादे से आया जबकि हुई, उसमें जगने के बाद में उसने नेट मिट्ठा के मार दिए, सिर में बुरी तरह घायल कर दिया। अच्छा, तो जो जिनके साथ वारदात की है वो कौन लगती थी? वो हमारी मम्मी थी। अच्छा, तो उनकी मौत हो गई है जी। अच्छा, अब वो जो जिसने वारदात की थी वो कहाँ है? ये वो थाने में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।